नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के टोंक जिले से बड़ी खबर है। जिले में स्थित मालपुरा कस्बे में कृषि उपज मंडी से नकली सरसों पकड़ी गई है। यहां कई बोरियां माल बरामद हुआ है। जब इस माल की टेस्टिंग की गई तो व्यापारियों ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। इस घटना के बाद से राजस्थान की कई मंडियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल मालपुरा कृषि उपज मंडी में गेट नंबर 3 पर सरसों की बोरियों से भरा हुआ एक ट्रक खाली हो रहा था। अचानक एक व्यापारी ने मंडी के अध्यक्ष गोविंद परतानी को कहा कि यह सरसों नकली है। गोविंद ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और माल पूरा जब्त कर लिया। ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। ट्रक चालक से पूछने पर पता चला कि यह टोंक से ही किसी व्यापारी ने भेजा है। उस व्यापारी के बारे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उधर एक व्यापारी ने बताया है कि यह ट्रक पिछले कई दिनों से लगातार मिलावट की सरसों मंडी में ला रहा है। अब तक बहुत सारा माल बेचा जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सरसों काली मिट्टी से बनाई जा रही है। इनमें किसी तरह का केमिकल डाला जा रहा है जिससे दाने गोल हो रहे हैं और वह टूट भी नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दानों में 40% तक तेल है। हालांकि ये तेल खाने योग्य नहीं बताया जा रहा है। इस तरह का माल आने से मंडी में हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि टोंक में माल की आवक कम है, लेकिन राज्य की कई अन्य मंडियों में इस तरह का अगर माल पहुंच रहा है तो यह हैरानी वाली बात है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर और यह पहला मामला दोस्तों राजस्थान के टोंक के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ नकली सरसों पकड़ी गई है। इस सरसों के अंदर 40% तक तेल भी निकल रहा है। अब फिलहाल दोस्तों पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है।